वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो आप लोग देखिए, जैसे अ वर्ड व्हिच डिक्लेयर्स दैट समथिंग इज ट्रू आर सम इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन आर निगेटिव स्टेटमेंट जजमेंट और अ लॉजिकल प्रोपोजिशन इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन। मैंने क्या बोला, अ वर्ड व्हिच डिक्लेयर्स दैट समथिंग इज ट्रू आर सम इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन आर नेगेटिव स्टेटमेंट जजमेंट आर अ लॉजिकल प्रोपोजिशन इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, जैसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में एग्जाम्पल देखिए, प्रोबेबली दैट मीन्स संभवतः होता है, श्योरली क्लियरली डिफिनेटली एग्जैक्टली डाउटलेसली ट्रूली रियरली ऑब्वियसली यानी ऑब्वियसली और सर्टेनली, राइट। तो अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में आप एग्जाम्पल देखिए, दैट मीन्स सेंटेंस देखिए, जैसे He will surely give you money, यानी कि वह निश्चित ही आपको पैसा देगा, यानी He will surely give you money, यानी वह निश्चित ही आपको पैसा देगा। सेकेंड देखिए, प्रिया क्लियरली स्टेट्स हर कंसर्न, प्रिया क्लियरली स्टेट्स हर कंसर्न, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ चुके होंगे दोनों सेंटेंस। अब मैं आपको एडवर्ब ऑफ निगेशन बता रहा हूं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में नेवर, नॉट वेरी, ऑलमोस्ट, स्कार्सली, नो लॉन्गर, हार्डली, रेयरली, कंट्राडिक्टोरिली, इनवैलिडली। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक से ही आप समझ सकते होंगे कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन। निगेशन में आप जानते हैं कि क्या होता है, यानी कि कोई चीज नेगेटिव यानी कि वो प्रतिरोध करता है, यानी सॉरी यानी कि उसका हाँ प्रतिरोध करता है, यानी कि या उसका निगेशन यानी जो नकारात्मक जो है कि एक्सप्रेस करता है। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे देखिए एडवर्ब ऑफ निगेशन, मैंने आपको एग्जाम्पल मैंने बताया, अब सेंटेंस देखिए, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, यानी कि आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, यानी कि मैं कभी भी ताजमहल मैंने कभी नहीं देखा है, यानी कि आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, यानी मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, राइट। सेकेंड देखिए, ही इज नॉट वेरी एक्टिव, ही इज नॉट वेरी एक्टिव, यानी वह बहुत सक्रिय नहीं है, ही इज नॉट वेरी एक्टिव, यानी वह बहुत सक्रिय नहीं है। तो यानी निगेशन मतलब यार खुद ही देखिए यानी कि प्रतिरोध कर रहा है, यानी कि वो यानी कि कोई चीज यानी कि नेगेटिव को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि उसके निगेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। थर्ड एग्जांपल देखिए, आई ऑलमोस्ट रैन आउट ऑफ वर्ड्स, आई ऑलमोस्ट रैन आउट ऑफ वर्ड्स। फोर्थ एग्जांपल देखिए कि राधा स्कार्सली डज हर ड्यूटीज, राधा स्कार्सली डज हर ड्यूटीज। फाइव नंबर देखिए, ही नो लॉन्गर टेक्स इंटरेस्ट इन हिज वर्क, यानी ही नो लॉन्गर टेक्स इंटरेस्ट इन हिज वर्क, यानी वह अपने काम में रुचि कभी नहीं लेता है। नो लॉन्गर मतलब क्या होता है, जैसे यानी कि ही इज नो लॉन्गर मी, यानी वह मेरे संपर्क में नहीं है, राइट। यानी कि नो लॉन्गर ही एक निगेटिव वर्ड है। अगला देखिए, जैसे द ब्रदर्स हार्डली ईवर मीट इच अदर, द ब्रदर्स हार्डली ईवर मीट इच अदर्स, यानी कि कुछ भाई लोग थे, यानी कि भाई जो सॉरी देखिए द ब्रदर्स हार्डली ईवर मीट इच अदर, यानी कि भाई एक दूसरे से बहुत कभी कभार मिलते हैं, यानी कि ये क्या होता है, देखिए यानी कि निगेशन को एक्सप्रेस कर रहा था, हार्डली इज अ निगेशन, राइट। देखिए अमेलिया रेयरली विजिट्स हर मॉम ऑन वीकेंड्स, यानी देखिए अमेलिया रेयरली मतलब क्या होता है कि दुर्लभ से, यानी रेयर माने क्या होता है बहुत दुर्लभ से, यानी कि अमेलिया रेयरली विजिट्स हर मॉम ऑन वीकेंड्स, यानी कि अमेलिया जो है कि सप्ताह में जो है कि कभी कभार जो है कि
मम के पास जो है कि यानी अपने माँ के पास जो है कि यानी कि विजिट करती है। हाँसी आ रहा है इसके लिए सॉरी। अगला देखिए, ही कंट्राडिक्टोरिली डिड द करेक्ट थिंग, ही कंट्राडिक्टोरिली डिड द करेक्ट थिंग। तो ये जो है कि आपको देखिए यहाँ पे जो कंट्राडिक्टली क्या है, तो कंट्राडिक्टली क्या है, ए एडवर्ब ऑफ निगेशन, यानी ये जो है कि कंट्राडिक्टली जो है हमारा जो कि निगेटिव को यानी को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में देखिए पहले ही विल श्योरली गिव यू मनी, तो श्योरली इज अ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्रिया क्लियरली स्टेट्स हर कंसर्न, तो क्लियरली इज अ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, राइट। और यहां देखिए, जैसे देखिए यहां देखिए प्रोबेबली देखिए, तब प्रोबेबली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और डेफिनेटली देखिए, ये भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। और एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएंगे। डाउटलेसली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएंगे। और ट्रूली भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा, राइट। और ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और रियली भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एंड सर्टेनली भी क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, राइट। अब इधर देखिए एडवर्ब ऑफ निगेशन में देखिए, यहाँ पे आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, तो नेवर इज अ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, राइट। और यहां पर देखिए नॉट वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन। ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, यानी आई ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ वर्ड्स, ऑलमोस्ट इज अ एडवर्ब ऑफ निगेशन। राधा स्कार्सली डज हर ड्यूटी, तो हियर स्कार्सली इज अ एडवर्ब ऑफ निगेशन। और ही नो लॉन्गर टेक्स इंटरेस्ट इन हिज वर्क, द नो लॉन्गर इज अ एडवर्ब ऑफ निगेशन, राइट। द ब्रदर्स हार्डली इवर मीट इच अदर, तो हियर हार्डली इज अ एडवर्ब ऑफ निगेशन। अमेलिया रेयरली विजिट्स हर मॉम ऑन वीकेंड्स, तो हियर रेयरली इज अ एडवर्ब ऑफ निगेशन। और ही कंट्राडिक्टोरली डिड द करेक्टिंग, तो हियर करेक्ट हियर कंट्राडिक्टोरली इज अ एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।